वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज मैं तुम्हारे लेकर आ चुका हूँ 20 इंटरेस्टिंग पोकेमॉन फैक्ट्स। तो गाइस आज वाले फैक्ट्स से में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड गाइस इसमें से काफ़ी सारे फैक्ट्स तो मैं पता भी नहीं होंगे, तो सेम है गाइस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, तो गाइज डॉन कैनी बैरी की इन तीनों को तो यार तुम जानते हो कि गाइज डॉन एच की सीनियरजन की कंपेनियन है एंड गाइज कैनी डॉन का एक फ्रेंड था एंड गाइज बैरी एच का सीनियरजन का एक राइवल है। तो गाइज जो इन तीनों के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज है, गाइज ये तीनों ट्विन लिफ टाउन से हैं एंड गाइज ये तीनों ऐश को जानते हैं एंड गाइज ये तीनों ऐश से बैटल भी कर चुके हैं एंड गाइज सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो गाइज इन तीनों में ये है कि गाइज इन तीनों के स्टार्टर भी गाइज बिल्कुल सेम है। हालांकि दो के इवॉल्व हो गए थे, उनके एम्पोलियन बन गए थे पिपलव से, पर इन्होंने इन तीनों ने यार पिपलव ही चुना था, तो सही में गाइज काफ़ी। फैक्ट नंबर टू, तो गाइज जो ऐश का ग्लेलियार को काफ़ी लोग यार बहुत ज़्यादा वीक पोकेमॉन समझते हैं क्योंकि गाइज इसने ऐश ने होइन रीजन को बिल्कुल एंड में पकड़ा था और इसने इसके बाद इसको ट्रेन भी नहीं किया, बट गाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गाइज इसको हम कह सकते हैं कि अगर ऐश को ट्रेन करते ये बिल्कुल सेप्टर के लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाता क्योंकि गाइज इसने एक बैटल में होइन रीजन की एक बैटल में होइन लीग में इसने एक बैटल में किया था गाइज एक ट्रेन था उसने फायर टाइप पोकेमॉन चुने थे ऐश ने और उसके उल्टा यार आइस और ग्रास टाइप के पोकेमॉन चुन लिए ग्रोवाइल और ग्लेली को जो कि यार सुपर वीक है यार उनके सामने। तो गाइज फिर वो बैटल कर रहे थे, ग्रोवाइल ने यार ड्रॉ कर दिया था कोई लावा के साथ एंड आखिरी में बचे थे यार चारिजार्ड जो इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड गाइज फिर ग्लेली ने सीरियसली यार चारिजार्ड को हरा दिया, जो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी बात है गाइस टाइप पोकेमॉन के लिए। तो सेम गाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ये, अगर ऐश को ट्रेन करते तो मैं पक्का कह सकती यार ये बिल्कुल सेप्टाइल के लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाता। फैक्ट नंबर थ्री, तो गाइज जो तुम अभी पॉपुलर पिकाचू की इमेज देख रहे हो गाइज जो उन्होंने अभी पोस्ट दे रखे गाइज वो फेमस मूवी टाइटेनिक का एक रेफरेंस है, जैसे कि तुम यार देख सकते हो दोनों की इमेज यार बिल्कुल सेम है, तो ये सेम है गाइज काफ़ी अच्छा रेफरेंस था। फैक्ट नंबर फोर, तो गाइज क्या तुमने एक बात नोटिस की है गाइज जो ऐसे रीजन के एंड में जो पोकेमॉन पकड़ते गाइज वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलते, जैसे गाइज तुम कैंट में टॉरस ले लो, ओरिजिन आइलैंड में स्नोलैक्स, फिर जोटो में डॉनफैन, होएन में ग्लेली एंड सिनो में गाइज गिबल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड गाइज फिर कालोस में तुम नॉयवन को भी ले सकते हो और अलोला में मेलमेटर नगलाडेल एंड फिर गलार में तुम ड्रैगोविश को भी ले सकते हो, तो गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो भी ऐश यार लास्ट में अपनी जो भी डास्ट पोकेमॉन पकड़ते हो उस रीजन का वही यार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। फैक्ट नंबर फाइव, तो गाइज ऐश वर्सेस वॉटसन वाली बैटल जो यार सभी को याद होगी, तो गाइज ये एक ऐसी लास्ट जिम बैटल थी जो गाइज ऐश ने इस एपिसोड में गाइज ऐश उस जिम लीडर से मिला था गाइज उसी एपिसोड में उसने उससे बैटल भी कर ली थी। उसके आगे गाइज ऐसा चला था कि गाइज पहले एक एपिसोड में पहले ऐश उससे मिलता है फिर अगले एपिसोड में उसे जिम बैटल करता है, बट गाइज ये एक ऐसी लास्ट बैटल जिम बैटल थी जहाँ पर गाइज ऐश उसी एपिसोड में जिम लीडर से मिला एंड गाइज उसी ने उसी एपिसोड में बैटल कर ली। फैक्ट नंबर सिक्स, तो गाइस क्या तुम्हें पता है जो पोकेमॉन की गेम डायमंड पर है गाइस तो तुम पहले एक जगह पर आरसीएस भी होने वाला था, मतलब कि तुम अज्यूर फ्लूट बजाकर आरसीएस को बुला सकते थे और तुम उसको कैच भी कर सकते थे, ये बिल्कुल वैसे ही तो जैसे अभी तुम लेजेंड्स आरसीएस में तुम अज्यूर फ्लूट बजाकर तुम आरसीएस के पास जाकर उसको कैच कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसा ही होता, पर पता नहीं कि उसको बाद में उस मोड से हटा दिया गया था डायमंड पर से गाइस इसको हटा दिया गया था और फिर तुम अब डायमंड पर में आरसीएस को नहीं कैच कर सकते। फैक्ट नंबर सेवन, तो गाइस तुम्हें पता होगा सब रीजन के पास अपनी अपनी लीग होती है, जैसे होइन लीग, कैंटो लीग, सिनहो लीग, यूनोवा लीग, सबके पास सब रीजन के पास अपनी अपनी खुद की लीग होती है, बट गाइस जोटो एक ऐसा रीजन जिसके पास अपनी लीग नहीं है। हाँ गाइस जोटो रीजन के पास अपनी खुद की लीग नहीं है, ऑब्वियसली हमें एनीमे में तो दिखाई गई है सिल्वर कॉन्फ्रेंस जोटो रीजन के पास, बट गाइस गेम में जोटो रीजन के पास अपनी खुद की लीग नहीं है। फैक्ट नंबर एट, दो गाइस पोकेमॉन एक्स वाई जेड के लास्ट एपिसोड में हमें इस तरह से लूनार्टन एंड सोलरॉक दिखाए जाते हैं जो क्योंकि गाइस सोलरॉक बेस्ड है सन पर एंड लूनार्टन बेस्ड है मून पर, जो गाइस सीधा सीधा रेफरेंस था पोकेमॉन सन एंड मून का क्योंकि गाइस अगला रीजन पोकेमॉन सन एंड मून ही आने वाला था, तो सही में गाइस काफ़ी अच्छा रेफरेंस था पोकेमॉन एक्स वाई जेड में पोकेमॉन सन एंड मून का। फैक्ट नंबर नाइन, तो गाइस क्या तुमने ये चीज़ नोटिस की ऐश लगाते यार दो बार चारिजार्ड के साथ ही हारता लीग में, कैंट लीग में यार वो चारिजार्ड के साथ हारता क्योंकि वो चारिजार्ड उसकी बात मारता एंड गाइस जोट लीग में वो हैरिसन से हैरिसन के ब्लेजिकन से हार गया था वो भी जब भी वो चारिजार्ड के साथ ही बैटल कर रहा था, तो हाँ ये भी सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट नंबर टेन, तो गाइस इन्हें ऐसा एक पहला रीजन है जिसके स्टार्टर्स के फाइनल स्टेज गाइस ड्यूअल टाइप के देखने को मिलते हैं, इससे पहले गाइस एक दो ड्यूअल टाइप के होते थे, एक स्टार्टर या दो स्टार्टर ड्यूअल टाइप के होते थे, बट गाइस सीनो में पूरे तीनों स्टार्टर या ड्यूअल टाइप के थे। फैक्ट नंबर 11, तो गाइस राउलेट और बल्बसौर ऐसे एक लौते स्टार्टर पोकेमॉन है जो गाइस ड्यूअल टाइप के, वो भी अपने फर्स्ट ही स्टेज में, बाकी गाइस जो भी स्टार्टर है वो अपने फर्स्ट स्टेज में ड्यूअल टाइप के नहीं है, बस बल्बसौर और
राउलेट एक ऐसे पोकेमॉन जो ड्यूअल टाइप के बल्ब और पॉइजन एंड ग्रास टाइप का, और राउलेट फ्लाइंग एंड ग्रास टाइप का है। और इन दोनों की एक चीज़ कौन है, ये दोनों का स्टार्टर है और वो भी ग्रास टाइप के, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट नंबर 12, तो गाइस क्या तुम्हें ये बात पता है, कैंट रीजन में यार बस तीन घोस्ट टाइप के पोकेमॉन और तीन गाइस ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन, वो भी गाइस एक ही वॉल्यूशन लाइन से। गाइस घोस्ट टाइप में है गैसली, हॉन्टर, गेंगार, जो गाइस एक ही वॉल्यूशन लाइन की घोस्ट टाइप के पोकेमॉन है। एंड ड्रैगन टाइप में है गाइस रेटिनी, ड्रैगनेयर और ड्रैगनाइट, ये भी गाइस एक ही वॉल्यूशन के एक ही वॉल्यूशन लाइन के ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 13, तो गाइस कि तुम्हें पता होगा ऐश अपने प्राइम एप को रिलीज कर चुका है। एंड गाइस ऐश को प्राइम एप को रिलीज करे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है एंड हमें प्राइम एप अब दिखता ही नहीं है एपिसोड्स में, मतलब ऐश ने उसको लिया ही नहीं, और रिलीज करने के बाद हमें बहुत समय हो गया प्राइम एप को देखे, बट फिर भी गाइस पोकेमॉन एनीमे में हमें दो बार प्राइम एप देखने को मिल चुका है। हाँ वो एपिसोड में दिखा, पर वो हमें एक जगह पर देखने को मिल चुका है, वो एपिसोड तो नहीं था, पर गाइस हमें दो थीम सॉन्ग में प्राइम एप देखने को मिल चुका है। पहले तो गाइज हमें बैटल फ्रंटियर के थीम सॉन्ग में सभी पोकेमॉन के साथ प्राइम एप एक जगह देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा समय के लिए नहीं, बस सभी पोकेमॉन के साथ हमें एक देखने को मिलता है प्राइम एप। एंड दूसरी और गाइज दूसरी बार हमें देखते हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के थीम सॉन्ग में प्रोफेसर ओक की लैब में, यार वो भी सभी पोकेमॉन के साथ प्रोफेसर ओक की लैब में, सीरियसली यार प्रोफेसर ओक की लैब में देखने को मिल गया था हमें प्राइम एप थीम सॉन्ग में, तो सही में यार ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो प्रोफेसर ओक की लैब में क्या कर रहा था। वैसे बस ये थीम सॉन्ग में था, पर एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया हमें, पर थीम सॉन्ग में दिखाया गया था, तो सेम ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो रिलीज हो चुका है, फिर भी वही पोकेमॉन कंपनी उसको दिखाती रहती है बीच बीच में। फैक्ट नंबर 14, तो गाइस तुम्हें जोटो की केसी नाम की कैरेक्टर तो याद होगी गाइस, ये बेसबॉल में इलेक्ट्रोबस टीम की बहुत बड़ी फैन थी। एंड गाइस इलेक्ट्रोबस एक येलो कलर का पोकेमॉन है एंड गाइस इसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो गाइस ये वही पोकेमॉन कैच करती है, और गाइस इसको वही पोकेमॉन पसंद थे जो येलो कलर के हो और उनके ऊपर यार ब्लैक स्ट्राइप्स हो, तो गाइस ये वही पोकेमॉन कैच करती थी। एंड गाइस ये जो इलेक्ट्रोबस वाली टीम थी गाइस, वो हमें एक सन एंड मून के एक एपिसोड में इतने समय बाद यार सीधा जोटो से यार सीधा सन एंड मून के एक एपिसोड में हमें दिखाई जाती है बेसबॉल टीम, हमें एक इलेक्ट्रोबस दिखाया जाता है वो खेलते हुए बेसबॉल। एंड गाइस ये बिल्कुल ये वही टीम होती है, जैसे कि यार तुम देख ही सकते हो इसमें इलेक्ट्रोबस ही खेलता है, तो सही में यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने यार जोटो के बाद सीधा सन एंड मून में अलोला में यार इतने समय बाद इस बेसबॉल टीम को दिखाया था, तो सही में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 15, तो गाइस ये वाला फैक्ट भी इसी एपिसोड से, तो गाइस इस एपिसोड में जो हमें इलेक्ट्रोबस बेसबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है गाइस, उसके पीछे तुम देख सकते हो यार 125 लिखा हुआ है गाइस, उसके कपड़ों के पीछे 125 लिखा हुआ है। एंड गाइस इलेक्ट्रोबस के पोकेटेक्स नंबर भी यार 125 है, तो सही में गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसके पोकेटेक्स नंबर भी 125 है एंड गाइस उसके कपड़ों के पीछे और 125 ही लिखा हुआ था इस एपिसोड में। फैक्ट नंबर 16, तो गाइस जो जोल्टियन और ज़ेपडॉस यार उनका जापानीज़ में नाम है ऑलमोस्ट यार सेम है गाइस, ज़ेपडॉस का जापानीज में नाम है थंडर एंड गाइस जोल्टियन का जापानीज में नाम है थंडर्स, यार तुम देख सकते हो यार बस एस का एक लेटर का डिफरेंस है, बस एस का डिफरेंस है, बाकी इन दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, तो सेम है गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चा एक लेटर का डिफरेंस जापानीज में, बाकी सारे नाम इनका सेम ही है। फैक्ट नंबर 17, तो गाइस क्या तुम्हें पता है इंग्लिश में और पोकेमॉन एनीमे में किस पोकेमॉन का नाम सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो गाइस वो है क्रैबोमिनेवल, जिसका नाम है पूरे 12 लेटर्स का है, एंड जो सबसे छोटा नाम है गाइस वो है मकैन म्यू का, जिनका नाम बस क्या 3 लेटर्स का है। फैक्ट नंबर 18, तो गाइस जैसे पोकेमॉन एनीमे इंग्लिश में सबसे छोटा नाम है मकैन म्यू का, तो गाइस वैसे ही जापानीज में यार सबसे छोटा नाम है क्लेफा पोकेमॉन का। फैक्ट नंबर 19, तो गाइस जो आर्वक पोकेमॉन है गाइस उसकी चेस्ट पर पूरे 6 अलग अलग तरीके के यार पैटर्न्स होते हैं गाइस, ये उसके रीजन पर भी गाइस डिपेंड करता है कि वो किस रीजन का है, और गाइस मांगा में तो गाइस आर्वक अपने चेस्ट के जो पैटर्न्स होते हैं गाइस को अपनी मर्जी से बदल भी सकता है। हाँ गाइस ये बिल्कुल सच है यार, वो अपने मांगा में यार वो अपने मर्जी से यार वो जौन से पैटर्न चाहे गए गाइस 6 में से गाइस वो बदल भी सकते हैं, तो सही में गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 20, तो गाइस जो ऐश की कालोस की टीम है गाइस उसमें जो लिटरली यार पूरी जो तीन पोकेमॉन है वो तो गाइस पूरे फ्लाइंग टाइप के हैं गाइस, पूरी 6 पोकेमॉन की टीम होते हैं एंड गाइस उसमें तीन पोकेमॉन गाइस ऐश की कालोस की टीम के फ्लाइंग टाइप के हैं, जो गाइस है टैलोन फ्लेम जो कि फायर एंड फ्लाइंग है, एंड नॉयवन जो ड्रैगन एंड फ्लाइंग है, एंड गाइस जो आखिरी वो है हालूचा जो कि फाइटिंग एंड फ्लाइंग है गाइस, ये तीनों यार ड्यूअल टाइप के और गाइस ये तीनों यार फ्लाइंग टाइप के भी है, तो हाँ गाइस लिटरली यार पूरी 6 पोकेमॉन की टीम होती है और तीन पोकेमॉन यार फ्लाइंग टाइप के थे ऐश की कालोस की टीम में। वेल गाइस इतनी थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस कमेंट में बताना गाइस तुम्हें सारे फैक्ट्स कैसे लगे, बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।